ओके जी, हम स्पेशल पैथ की जो है ना वो पास्ट पेपर, टॉपिकल पास्ट पेपर मेरे पास जो पड़े थे वो डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहा था, सॉरी डिस्कस नहीं। तो मेल जेनिटल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन और क्या है, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी या डिटेराटोमास क्या होती हैं, और क्या है हमारे पास, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है। प्रोस्टेट का तो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, पैथोजेनेसिस ऑफ द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये अमूमन जो ओल्ड मेल होती है ना इनके अंदर, फीमेल में तो होता ही नहीं प्रोस्टेट, उसका क्या है ना। प्रोस्टेट कार्सिनोमा में प्रोस्टेटिक एडिनो कार्सिनोमास के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करके हम इसके जो है ना वो सरफेस को फील कर सकती हैं ना, पोस्चर को। फिर डिजीज़ इन्वॉल्विंग प्रोस्टेट कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी चाहिए ब्रीफली, जो है ना वो मॉर्फोलॉजी एंड ग्रेडिंग ऑफ द स्टेज क्या होती है। फीमेल जेनिटल ट्रैक में सर्वाइकल इंट्रा एपिथीलियल नियोप्लेजिया के बारे में है, ठीक है। रूटीन पैप स्मेयर के बारे में है, आप जब गाइनी के वार्ड में जाते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है पैप स्मेयर क्या होता है, ठीक है। और जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आपको पता लग जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में है, ठीक है। देन वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ना उसकी आपको पता होनी चाहिए, क्लिनिकल कंडीशंस और क्या है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया और एडिनो मायोसिस हो गया, ठीक है। वो सारी के सारी आपको बताऊँ, लियो मायो मायोमास हो गया, वो सारे के सारे। ओवेरियन सरफेस एंड एपिथीलियल ट्यूमर्स क्या होती हैं, वो ब्रेका वन और ब्रेका टू, ये आपने पढ़े थे जनरल पैथ के अंदर ना, नियोप्लाज्म वाले चैप्टर में, ब्रेका वन और टू क्या होते हैं वो सारे के सारे। ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर्स के बारे में देख लेना, ओवेरियन सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल के बारे में, प्री एक्लेम्जिया और एक्लेम्जिया के बारे में, फिर जी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में, इन्फ्लामेटरी हो गया, ठीक हो गया, बिनाइन एपिथीलियम लीजन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन पैथोजेनेसिस रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा वो देख लेना सारे के सारे। कार्सिनोमा इन सिटू, पैगेट डिजीज ऑफ निपल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू ब्रेस्ट, फिर इन्वेसिव कार्सिनोमास के बारे में देख लेना, देन प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, देन और क्या आते हैं, मैस्टेक्टमी के स्पेसिमेंस जो है ना वो देख लेना, और स्ट्रोमास ट्यूमर जितने भी हैं ना स्ट्रोमास के, क्लिनिकल हिस्ट्री में एग्जामिनेशन किया तो डायग्नोसिस क्या होगा, इसके फीचर्स ऑफ ट्यूमर क्या हैं। सिंपल, इतने ज़्यादा क्लिनिकल सिनेरियो ज़्यादा है, लेकिन उसका जो आगे है ना एक्सप्लेनेशन वो आपको छोटी छोटी एक लाइन में देनी होती है, ठीक है।